रोशन गेट चौकातील भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत सुरू असलेले रस्त्याचं काम कासव गतीने होत असल्यानं स्थानिक रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. रोशन गेट चौकात गेल्या अनेक महिन्यांपासून भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत काम सुरू आहे. चौकातच काम सुरू असताना आजूबाजूचा रस्ता बंद करण्यात आल्यामुळे वाहनधारकांना गल्ली बळातून मार्ग काढावा लागत आहे. एकतर्फी रस्त्यामुळे वाहनांची कोंडी होत आहे. या रस्त्यावर खड्डा खोदून माती रस्त्यावर टाकल्याने पावसामुळे माती रस्त्यावर वाहते आहे. खड्डेमय रस्ते चिखलमय झाल्याचं इथं दिसून येत आहे. दुचाकी वाहनामुळे पायी जाणाऱ्या नागरिकांच्या अंगावर चिखल उडत असल्यामुळे भांडणाचे कारण होत आहे. त्वरित यावर काम करण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. जो खड्डे कर रहे, मट्टी डाल रहे, तो ये मट्टी से क्या हो रहा है, ये एक्सीडेंट का डर है. यहाँ पे मट्टी डाल के कोई फायदा नहीं है. और अभी ये खड्डे खोद के डाले जा, वहाँ खड्डे रोशन गेट से लेके चंपा चौक तक पूरा रोड खराब है. सिर्फ यहाँ पे भी डमर काम नहीं करे, यहाँ पे सीमेंट रोड कंक्रीट सीमेंट का रोड करना चाहिए. अभी ये पब्लिक देख रही नहीं. अतुल जावे साहब की भी यहाँ पे रौंडी हुई है. अतुल जावे साहब को भी बोले हमने जाके, इम्तियाज जलील को बोले, बस सिर्फ काम हो रहा, ओपनिंगा कर रहे, खड्डे खोद के डाल रहे. चौक से लेकर सेंटर मदनी चौक तक रोड खराब हो चुका है. इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया. गाड़ी पे से लोग स्लिप हो जा रहे हैं. इतनी तकलीफ हो रही है. और कॉरपोरेशन वाले मट्टी डाल के जा रहे, मगर मट्टी डालने में हो रहा क्या, बारिश आ रही, फिर वो पानी पूरा कीचड़ हो जा रहा. उसमें दो तीन बच्चे फिसल गिर गए. अब इसमें जान का खतरा लायक हो गया है. तो अगर रास्ता नहीं बना तो और मुश्किलात आ सकती है. तो हमारी ये दरख्वास्त है कॉरपोरेशन से कि जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू करें.